नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विजन टीवी। मैं हूं आपके साथ नेहा। दुकानदारी रंजिश को लेकर विकलांग महिला की पिटाई, मामला पहुंचा थाने में। कहते हैं दुकानदारी व्यवहार एवं सम्मान से चलते हैं। ऐसी ही एक विकलांग युवती फल की दुकान चलाकर अपने एवं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, जिसके अच्छे व्यवहार से दुकान अच्छी चलने लगी, जो बगल के दुकानदार को नागवारा गुजरा और विकलांग महिला दुकानदार को गाली गलौज करते हुए जमकर पिटाई कर दी, जिसकी शिकायत लोरमी थाने में दर्ज कराई गई है। ये पूरा मामला लोरमी थाना रानी गांव का है, जहां दो दुकानदार फल फूल के दुकान लगाते हैं, जहां एक दुकान प्रार्थी धनबाई निषाद पिता बज रहा, जो दूसरा महेंद्र सिंह ठाकुर के दुकान है, जहां विकलांग महिला धनबाई के अच्छे व्यवहार के चलते दुकानदारी अच्छी चलने से बगल दुकानदार को नागवारा गुजरा और गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसकी शिकायत लोरमी थाने में की गई है, जहां लोरमी पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने के आश्वासन देकर चलता कर दिए गए हैं। भैया वो ना दारू पी के आए थे, गाड़ी में थे, वो गाली गलौज दे दिए थे। उसके बाद फिर उतर के मेरे को मार दिए, मारे बाद में फिर वो क्या बोलते घसीट दिए। अच्छा, कौन हमारे यहाँ पर? महेंद्र ठाकुर। क्या करते हो? फल दुकान है। कुछ कारणवश झगड़ा हो गया? नहीं, हम लोग का भी दुकान है भैया, उन लोग का भी दुकान है। हम लोग का क्या है, दोनों मोड़ पड़ता है, हम लोग का तो चलते हम लोग का ज़्यादा है, इसी कारण और कुछ नहीं। वहीं इस मामले को लेकर लोरमी थाना प्रभारी आलोक सुबोध का कहना है कि पीड़ित महिला के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है कि आरोपी महेंद्र सिंह के खिलाफ जहां निम्न धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेने की बात कही है। कल दिनांक 2/4/2021 को हमारे धान भाई पिता बजरा निषाद, उम्र 32 वर्ष, पता रानी गांव लोरमी की रहने वाली, थाना का रिपोर्ट दर्ज कराई कि वहीं का रहने वाला महेंद्र ठाकुर इसके साथ शाम को गाली गलौज किया है, मारपीट किया है और जान से मारने की धमकी दिया है। प्रार्थना की रिपोर्ट पर हम लोगों ने अपराध पंजीकृत किया है धारा 294/506/323 IPC के तहत और अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया है। सर, अपराधी कब तक उठा पार्टी रवाना हुई है? आरोपी को लाकर पूछताछ करने पर विधिवत करेंगे, करवाएंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस अपंग महिला की शिकायत पर पुलिस कब तक जांच कर कार्रवाई करती है। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।